नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। ये संविधान की 5वीं क्लास है, हम संविधान पढ़ रहे थे। इससे पहले 4 क्लासेज आ चुकी हैं जिनमें हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की है। अगर आपने वो 4 क्लासेज नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन 4 क्लासेस को देख लें, उसके बाद इस 5वीं क्लास पे आए, क्योंकि सारा कुछ सिस्टमैटिक वे में हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हमारे जो भारतीय संविधान है उसको हम ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में हम संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। 2 टॉपिक इसमें हैं, 2 टॉपिक या 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। पहला टॉपिक जो आज का है संविधान का निर्माण, और दूसरा जो है वो है उसकी समितियाँ। समितियों को हम क्लास 6 में करेंगे। आज हम उसके प्रमुख, जो संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी सीट थी रिजर्व और कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल हुए, इन सब बातों की इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MPPSC का प्री एग्ज़ाम हो, MPSI हो या फिर कोई वन डे एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें भारतीय संविधान से प्रश्न बनते हैं और संविधान के निर्माण से भी एक आध प्रश्न आ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारी जो लिंक है टेलीग्राम की, वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला, आप अपडेट रहेंगे कि चैनल्स पे क्या होने वाला है या आगे की क्या स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को लेके, MPPSC MPSI या कोई अन्य एग्ज़ाम को लेके। दूसरा, सारे PDF नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्ज़ाम जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर के अपलोड होने के कुछ दिन बाद। तो PDF के लिए या PDF का लाभ उठाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जा रही है। फॉर एनी क्वेरी यू कैन मेल अस topgallant2018@gmail.com। आप अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न उठता है यहाँ से कि भाई संविधान की मांग, ओके, संविधान का निर्माण तो हुआ लेकिन उससे पहले उसकी मांग उठना स्वाभाविक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो है MN Rai। MN Rai ने अपना विचार दिया या विचार रखा था 1934 में। कब रखा था? 1934 में। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसकी, पहले के वीडियोस में। ये कौन थे? ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे भारत में, वामपंथी आंदोलन के प्रणेता थे भारत में। इन्होंने, MN Rai ने पहली बार संविधान की सभा के गठन का, जो संविधान की सभा, इसके गठन का इन्होंने विचार रखा था, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारत के संविधान निर्माण के लिए, ठीक है, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली संविधान सभा के गठन की मांग की। कब की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? 1935 में। दोनों बातें आपको याद रखना है इसमें, ओके। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन। गठन जो हुआ था इसका, जो कैबिनेट मिशन ने जो योजना, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे या कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे उसी के प्रस्तावों के तहत कब हुआ कैबिनेट संविधान सभा का गठन? 1946 में। ये भी आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में। और इसमें गठन का जो उद्देश्य था वो किन के विचारों को अमल में लाना था? इनके, MN Rai के। और चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी गठन की मांग कर चुकी थी संविधान सभा के, इनके विचारों को भी, जो इनके विचार थे उनको भी अमल में लाना था, और कैबिनेट मिशन ने भी जो सुझाव दिए थे उसके प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें जो कुल सदस्य संख्या रखी गई वो रखी गई 389। यहाँ पे समझना, हम सिस्टमेटिक वे में पूरा आगे बढ़ेंगे और लास्ट तक पहुँचेंगे, सारे एक आगे पीछे जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, ओके। तो लास्ट तक ध्यान से सुने कि मैं क्या बता रहा हूँ। टोटल सदस्य थे 389, जिसमें जो 296 हैं, 296 ये जो सीटें हैं ये ब्रिटिश भारत से थी, ओके, और जो 93 थी वो देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ये दोनों बात आपको याद रखना है, ओके। 389 में से 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतों से भरनी थी,
देसी रियासतों के प्रतिनिधियों से। इन 296 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। 292 जो हैं वो 11 गवर्नर के जो प्रांत थे, गवर्नरों के जो प्रांत थे, भारत में जितने भी गवर्नर आए उनके अंतर्गत जितने प्रांत थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिंध हो गया, बंगाल हो गया, तो ये सारे प्रांत जो थे ये गवर्नर के अधीन आते थे, उससे 292। और जो चार थे, ये चार का चयन जो होना था ये होना था मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, ठीक है ना। इसमें कौन कौन थे? इसमें दिल्ली था, इन चार में अजमेर था, दिल्ली अजमेर, इसके अलावा मोरवाड़ा था, मोरवाड़ा, ओके, और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। उस समय जो बलूचिस्तान ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग एक, मोरवाड़ा दूसरा, अजमेर तीसरा और दिल्ली चौथा। तो ये चार थे, ये आपको याद रखना है। इसमें ये सदस्य संख्या ऐसे सीटों का, ऐसे प्रतिनिधियों के लिए सीटों का आवंटन किया गया था संविधान सभा के लिए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रांत एवं देशी रियासतों को तो बांट दिया गया कि कितनी कौन सीटें रिजर्व करेगा या कहां से कितने प्रतिनिधि आएंगे। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट सीटों के निर्धारण के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था चुनाव या उनका निर्वाचन कैसे हो। तो ये होगा जनसंख्या के अनुपात में, और जो जनसंख्या के अनुपात में तीन, जो जनसंख्या है उसको तीन समुदाय में डिवाइड किया गया, ये आपको याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा था सामान्य, और सामान्य में थे गैर मुस्लिम। सामान्य में गैर मुस्लिम जो थे वो थे, ओके, मुस्लिम और सिख को छोड़कर। सामान्य में कौन आए? मुस्लिम और सिख को छोड़कर गैर मुस्लिम। तो इन जनसंख्या को तीन समुदाय में डिवाइड किया गया, और जो प्रत्येक समुदाय थे उनके प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगा? प्रांतीय असेंबली करेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बोला गया था, ऐसी मांग रखी गई थी कि संविधान सभा का जो चुनाव होगा वयस्क मताधिकार पे होगा, वयस्क मताधिकार पे। परंतु किसमें हुआ? फिर प्रांतीय असेंबली ने इनको चुना, उन प्रतिनिधियों को चुना, कैसे? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीका होता है मतदान करने का, जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिससे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, उसी तरीके से इनके जो प्रतिनिधि हैं संविधान सभा के उनको चुना गया एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ओके। अब प्रश्न उठता है, ये तो प्रांतों के लिए हो गया कि भाई प्रांतों के प्रतिनिधि जनसंख्या के, देशी प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो सीटों का निर्धारण होगा वो जनसंख्या के अनुपात में होगा, और जनसंख्या के अनुपात में जो होंगे जनसंख्या वो तीन समुदाय में डिवाइड होगी, मुस्लिम, सिख और सामान्य, और प्रांतों के जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जो समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से चुन के आएंगे, जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों का इनका चुनाव होता है, क्लियर। लेकिन भाई देशी रियासतें यहां पे बच रही हैं, इनके प्रतिनिधि जो आएंगे, जो रियासत का प्रमुख होगा, तमाम देशी रियासतें थी भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में, उनके जो रियासतों के प्रमुख होंगे वो चुनकर भेजेंगे संविधान सभा में देशी रियासतों से प्रतिनिधि। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैंने इसको सर्कल किया हुआ है कि आपको याद रहे, भूले ना, फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। वही बात जो मैंने आपको बताई अभी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख के द्वारा हो जाना था। अब बात करते हैं कि भाई संविधान सभा के लिए चुनाव तरीका सेट हो गया कि भाई किस तरीके से करना है, सब कुछ तय हो गया। चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। देखिए हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। कब हुए भाई चुनाव? चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946, ठीक है भाई। क्या हुआ यहां पे? मैंने अभी आपको बताया था कि एक और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे कि मांग चल रही थी कि वयस्क मताधिकार पे जो होगा संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, परंतु उसका चुनाव किया प्रांतीय असेंबलियों ने, ठीक। अब देखिए ये अगर वयस्क मताधिकार के आधार पे होता तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता, मगर ये प्रांतीय असेंबलियों ने किया इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव था उनका, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव था। और इसमें सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था भाई,
यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई सीमित मताधिकार के आधार पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब 1935 का एक्ट आया था, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 1935 का जो एक्ट आया था उसमें जो मत देने का जो अधिकार दिया था या मताधिकार का जो अधिकार था वो कर, जो कर देते थे, उच्च शिक्षा और संपत्ति के आधार पर बहुत ही सीमित मताधिकार था। और उन्हीं के चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ पहुँचते थे? प्रांतीय असेंबली में। कहाँ पहुँचते थे? प्रांतीय असेंबली में। और प्रांतीय असेंबली ने चुनाव किया था संविधान सभा के प्रतिनिधि। तो ये सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव था। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद हम व्यस्क मताधिकार के आधार पर अगर संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते तो ऐसे प्रतिनिधि पाना कठिन था, क्योंकि प्रांतीय असेंबलियों के द्वारा भी जो थे वो कानूनविद थे, विद्वान थे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि महात्मा गांधी को छोड़कर भारत की सभी बड़ी हस्तियां संविधान सभा में थी। ओके ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है जो मैंने आपको बताई है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, हम थे चुनाव पे। और ऐसा एक चीज़ और इसमें बता दूं कि ये चुनाव हुआ जिसमें प्रतिनिधि चुन के गए उसमें सारे समुदायों का प्रतिनिधित्व था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, आंग्ल भारतीय हो, यहाँ तक कि भारतीय ईसाई हो, अनुसूचित जाति, दलित, हर समुदाय से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था। केवल एक महान शख्स को छोड़कर वो थे महात्मा गांधी, और बाकी भारत की सभी महान हस्तियाँ उसमें शामिल थी, ठीक है। तो चुनाव जरूर अप्रत्यक्ष माध्यम से हुआ था परंतु सभी का उसमें प्रतिनिधित्व था, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों पर जीत दर्ज की, मुस्लिम लीग 73 और जो छोटे समूह थे या स्वतंत्र सदस्य थे उन्होंने 15। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि बाकी के 93 कहाँ है? ये तो 296 हो गए, है ना, स्वाभाविक है भाई। और 93 कहाँ है? क्योंकि 389 की बात हुई थी भाई, यहाँ पे 93 कहाँ है? जो 93 है, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो देसी रियासतों की 93 सीटें हैं वो नहीं भर पाए। क्यों नहीं भर पाए भाई? क्योंकि इन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग करने का निर्णय ले लिया था, ये अलग हो गए थे। तो भाई चुनाव इतने पे हुए, ये अलग थे, और इतनी सीटों का जो है वो प्रतिनिधि पहुँच चुनाव के माध्यम से पहुँच चुके हैं संविधान सभा में। आगे बात करते हैं फिर क्या हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 डेट याद रख लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ओके, मैंने इसमें दिया नहीं है, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा या याद रखिएगा। केवल 211 सदस्य भाग लेते हैं भाई, अभी चुनाव तो हो गए थे 296 पे, अब 211 क्यों? स्वाभाविक है भाई सवाल, उसका आंसर ये है कि भाई मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। यानी कि अब मुस्लिम लीग ने खुद को अलग कर लिया, पहले देसी रियासतों ने अलग किया, अब मुस्लिम लीग ने खुद को अलग किया कि भैया हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, अलग हमें अपना क्षेत्र चाहिए, और हम संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। हमने चुनाव तो जरूर कर चुन के जरूर आगे, लेकिन हम भाग नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है आगे। 211 सदस्य भाग लेते हैं, पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्यों बनाया जाता है भाई? अस्थायी क्यों? अस्थायी उस समय उनका स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ था, तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए फ्रांस के देश की तर्ज पे। फ्रांस में क्या हुआ था भाई, या फ्रांस में क्या होता है, जो वरिष्ठ सदस्य होता है, तो इन्हें वरिष्ठ सदस्य के तौर पर संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद संविधान सभा ने अपने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी दो उपाध्यक्ष चुने गए, है ना। यानी कि एक लाइन में बोले तो एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों का संविधान सभा ने चुनाव कर लिया, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष चुने गए। ओके, अब आगे देखते हैं, अब आगे आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान से आप सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। 13 दिसंबर 1946 नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था भाई? इसमें था कि संविधान की संरचना जो होगी उसका ढांचा क्या होगा और उसके उसमें उसका दर्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो संविधान का जो पूरा ढांचा है वो उद्देश्य प्रस्ताव के तहत, उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने उसमें उल्लेख किया था, ठीक है, उसका दर्शन क्या होगा। यानी कि संविधान की संरचना पर बल दिया था उद्देश्य प्रस्ताव ने। ओके, बात क्लियर हुई होगी, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये गलत मिसप्रिंट टाइप हो गया है, इसको हटा दीजिए। यहाँ की इस यहाँ पे ये है कि संविधान सभा ने, प्रताप नहीं है, यह संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया। क्या भाई? ये उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव की यहाँ पे बात हो रही। उद्देश्य प्रस्ताव में ढांचा था, मैंने बताया उसका दर्शन था, क्या क्या मांगे थी मैं आपको एक आध एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। पहला कि भाई इसमें जो घोषणाएं थी उद्देश्य प्रस्ताव में, वो थी कि भाई भारत एक संप्रभु गणराज रहेगा या घोषित करता है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, ठीक है, और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करता है। दूसरा, भारत के सभी लोगों को हम न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता देंगे, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार की अभिव्यक्ति। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान थे उद्देश्य प्रस्ताव में, इसको सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। तो आपको ये डेट याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण क्यों है? दो बातें। पहला, संविधान के निर्माण को काफी हद तक इसने प्रभावित किया था, ठीक है। दूसरा, और जो प्रस्तावना है वो इसी का परिवर्तित रूप हम देखते हैं, है ना। प्रस्तावना संविधान में चूंकि बाद में जोड़ी गई, लेकिन वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है, इसलिए दो कारणों से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है कि भाई 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया, ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारण है उसके पीछे कि भाई जब ये अधिनियम पारित हुआ, ये 1947 का अधिनियम आया या इसकी घोषणा हुई माउंटबेटन योजना की, तब संविधान सभा में कुछ परिवर्तन हुए, और ये परिवर्तन आपके आपको जानने जरूरी है, चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आप अपनी जनरल समझ बना रहे हो उसके लिए भी। ओके, देखते हैं कौन कौन से मुख्य परिवर्तन किए गए। पहला, हमने बात की थी कि भाई देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने खुद को अलग कर लिया, यानी कि बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। अब देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल होने लगे, किसमें? संविधान सभा में। दूसरा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकारिता के बाद, क्या थी माउंटबेटन योजना? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को दो राष्ट्रों में बांटना था, पहला पाकिस्तान होना था, दूसरा भारत होना था। तो जब ये इसकी स्वीकारिता हुई, तो इसके बाद लगभग देशी रियासतों के सभी प्रतिनिधि अपनी सीट ग्रहण कर चुके थे, ठीक है ना, जितने भी थे अभी मैंने आपको बताया। ओके, भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी क्या हो गए? सभा में शामिल हो गए, भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य। और जो अलग हुआ पाकिस्तान, और उसमें जो सदस्य थे वो अलग हो गए, और जो भारतीय हिस्से के रह रहे थे वो अपने संविधान सभा में शामिल हो गए, यानी कि कुल मिलाकर जो है वो संविधान सभा के सभी सदस्य उसमें, प्रतिनिधि उसमें पहुंच चुके थे। अन्य परिवर्तन क्या हुए? अभी मैं बताऊंगा कि कितने सदस्य बचे थे, ये भी आपको बताऊंगा, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अन्य परिवर्तन देख लेते हैं, उसी में हम बात करेंगे। संप्रभु निकाय, अन्य परिवर्तन क्या हुआ 1947 का जब स्वतंत्रता अधिनियम आया तो? ओके, संप्रभु निकाय क्या है? तो ये यानी कि इस एक्ट के बाद भारत की जो संविधान सभा है वो अपना संविधान बना सकती थी, अब वो स्वतंत्र है। संप्रभु निकाय का मतलब यह है कि भाई स्वतंत्र है और अपनी स्वेच्छा से जो वो उस कानून बनाना चाहे, ब्रिटिश सरकार के जिस भी कानून को रद्द करना चाहे, ब्रिटिश सरकार के जिस भी कानून को बदलना चाहे, परिवर्तित करना चाहे, संशोधन करना चाहे, और अपना संविधान बनाने के लिए जिस भी कानून की सहायता लेना चाहे और जिस भी कानून को जोड़ना चाहे वो कर सकती थी, यानी कि संप्रभु निकाय संविधान सभा। पहला, दूसरा, एक विधायिका बन गई, संसद बन गई। ये कैसे भाई? अब देखना ये है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब आम कानूनों को भी लागू करना था। देखिए दो बातें यहाँ पे जरूरी थी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि भाई देश आज़ाद हुआ, आम कानून भी चाहिए, क्योंकि हमें शांति और शांति चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो आम कानून को भी लागू करना है। दूसरा, संविधान भी बनाना है। अब संविधान सभा ने ये दो काम पैरेलली समांतर रूप से एक साथ किए। कैसे भाई? इसने संसद के तौर पर आम कानूनों को लागू किया, यानी कि इसकी दो बैठकें होती थी। जिस दिन संविधान सभा की बैठक होती थी उस दिन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जिस दिन विधायिका के रूप में बैठक होती थी उस दिन की अध्यक्षता G.V. मावलंकर करते थे, G.V. मावलंकर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये कब तक चलता रहा, ये दोनों की भूमिका में कब तक रही? 26 नवंबर
1949 तक संविधान सभा ने ये दोनों भूमिकाएं निभाई, संसद की भी और संविधान सभा के निर्माण के लिए। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ओके, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण पूरा हुआ और उसके बाद भी ये अंतरिम संसद के तौर पे काम करते रहे, इसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं अन्य परिवर्तनों में कि भाई सदस्य संख्या 389 से 299 तक आ गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं वो अलग हो गए थे। कहाँ तक पहुँच गई? 299 तक, जिसमें 296 जो थे, 296 प्रांतों, ब्रिटिश प्रांतों, देसी ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 थे उनकी 229 तक आ गई, और जो देसी न्यायस्थों के, मैंने 93 आपको बताई थी, वो गिरकर 70 प्रतिनिधि या 70 सदस्य संख्या उनकी पहुंच गई। ओके, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं भाई, संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 तक तो संविधान के निर्माण का कार्य किया, उसके बाद भाई और क्या अन्य कार्य किए, ये भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। सारे यहाँ से सीधा प्रश्न बन जाता है, फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मई 1949 में राष्ट्रमंडल, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, उस वक्त जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, तो उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे कॉमनवेल्थ का जो ग्रुप है उसमें शामिल हो जाइए। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किसने किया? संविधान सभा ने किया। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान को अपनाया, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद 51-52 जब तक कि आम चुनाव कराने दिए गए और जो संसद है उसका गठन नहीं हो गया, तब तक भारत की अंतरिम संसद के तौर पे संविधान सभा ने काम किया। ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम रट लीजिए इनको, इनको एकदम रट लीजिए, कब राष्ट्रगान अपनाया, कब राष्ट्रगीत अपनाया, कब राष्ट्रध्वज अपनाया। ओके, और इस प्रकार संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को। ओके, तो ये सारे पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किए हैं क्लास 5 में संविधान के निर्माण। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख समितियों की, जहां से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और फिर से आपको बता दें, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आप हमें topgallant2018@gmail.com पे डायरेक्ट मेल करिए, और वहां पे आपकी जितनी भी समस्या उनको समाधान देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।